इंडिया न्यूज़ दी सिटी डिबेट विच थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। आज दी डिबेट दे विच जेड़ा मुद्दा है, क्योंकि त्योहारां दे दिन है ते त्योहारां दे दिन अक्सर ही जे गल करिए ट्रैफिक दी समस्या नूं लोके जेड़े लोग हैं ओह परेशान दिखाई दिंदे आ। बाजारां दे विच जे गल करिए कितने कितने लोकी अपनी गड्डियां व्हीकल खड़ा जांदे आ, जिहदे करके ट्रैफिक दी बहुत वड्डी समस्या देखण नूं मिलदी है। ते गल करांगे पटियाला दी, ते पटियाला दे शेरां वाले गेट जां नारदाना चौंक जां 22 नंबर फाड़ गया सरंदी बाजार कई ऐसी थावां हैगियां जिथे कि हमेशा ही ट्रैफिक की समस्या जिहड़ी देखण नूं मिलदी है। इस पूरी डिबेट दे विच चर्चा करन लई व्यापार मंडल दे जिहड़े प्रधान है पटियाला तों राकेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, ते दूजे पासे कांग्रेस पार्टी दे जिहड़े बुलारे हैं अमृत गिल जी जुड़े हैं। अमृत गिल जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। तीजे पासे आम आदमी पार्टी दे जिहड़े बुलारे हैं मेजर RPS मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं, ते चौथे पासे BJP दे जिहड़े बुलारे ने अजय थापर जी साडे नाल जुड़े हुए हैं। अजय थापर जी थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट नूं शुरू करदे हां, सब तों पहलां व्यापार मंडल के प्रधान साढ़े जुड़े हैं राकेश गुप्ता जी तो आप जानते हैं। राकेश गुप्ता जी, व्यापारियों को कितना का नुकसान होता, गल करिए ट्रैफिक की समस्या को लेके, कि व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पैंदा है? अविनाश जी, सब तो पहला तो नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता है कि तुम सू समा दिने। जिमें अज हूँ त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो तुम देख रहे हो भी जिन्हें भी शहर जगह जगह के उत्ते ट्रैफिक जाम लगते हैं। पटियाले दे विच तां एक बहुत वड्डी नलैकी, बेशक तुसीं सरकार दी समझ लो, बेशक प्रशासन दी समझ लो, भी राजपुरा रोड ते जो बस स्टैंड बन रहा उत्थे रोज तुसीं देखो खब्बे सज्जे पासे कई कई घंटे का जाम लगता है। वह सिर्फ प्रशासन या सरकार उरे फेल हो चुकी है भी जे बस स्टैंड बन रहा तो लोगों तंग क्यों किया जा रहा है। यही पोजिशन बाजारां दे विच है, क्यों? क्योंकि शहर दे विच कोई भी पार्किंग नहीं हैगी, पार्किंग ना होने करके गड्डियां दी रेशो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन गड्डियां दी रेशो बढ़ती जा रही है। कस्टमर ने आना है तो किसी ने भी आना है तो गड्डी या स्कूटर मोटरसाइकिल से आता है तो वह खड़ाने वास्ते कोई जगह नहीं हैगी। तो मैं तो यह कहूँगा भी बेशक नगर निगम है बेशक सरकार है भी वह बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुकी है भी कोई भी लोगों वास्ते व्यापारियों वास्ते कस्टमर वास्ते कोई सहूलत नहीं दी। जबकि सानू कई तरह का टैक्स गड्डी की गल करिए स्कूटर की गल करिए सानू रोड टैक्स देना पैंदा और व्यापारी कई तरह का टैक्स GST इनकम टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स कई तरह के कमर्शियल टैक्स भर रहा है। सहूलत के बावजूद फिर भी नहीं हैगी, रोज बहुत लंबे लंबे जाम, काफ़ी टाइम खराब होंदा, काफ़ी पेट्रोल डीजल की वेस्टेज होंगी है भी इसका जिम्मेवार कौन है। मैं तो सीधा सीधा पटियाले जो गल करिए नगर निगम की, तो नगर निगम जिम्मेवार है या पंजाब सरकार जिम्मेवार है भी लोगों का की कसूर है भी जब असं गड्डी लें स्कूटर लें असं टैक्स भर सकते हैं तो असं टैक्स भरता उसके बाद सहूलत सरकार ने देनी है। व्यापार का नुकसान होंगे, पुराना शहर है, पुराने शहर के बेशक अदालत बाजार की गल करिए शेर वाले गेट की करिए भुपिंदर रोड की गल करिए आर्य समाज की तिरपुरी की किसी बाजार की गल करते हैं कितने भी अज तुम जाने तो गड्डी खड़ा जगह नहीं है और व्यापारियों इस ये नुकसान भुगतना पैंदा है। व्यापार तो पहले ही बड़े लंबे समय तो देखोगे तुम घाटे के चल रहा मंदी से चल रहा जो तो केंद्र के BJP सरकार आई है उदों तो व्यापारियों लिए कोई पॉलिसी जी है BJP सरकार की वधिया नहीं है, दिन पर दिन व्यापार घटता जा रहा। अज तो 1.5-2 साल पहला जदों करोना की महामारी आई है तो भी सानू व्यापारियों सब तो बड़ा नुकसान होया और हर वर्ग को नुकसान होया जिदे विच लोगों का रुजगार गया नौकरी गई। बेशक सेंटर सरकार है बेशक केंद्र सरकार है बेशक सूबा सरकार है तो मैं तो दोनों नूं फेलियर कहूंगा भी दोनों ही फेल है। गुप्ता जी एक गल मैं समझना चाहवांगा क्योंकि शाही शहर पटियाला च इतिहासिक काली देवी मंदिर है नवरात्रा के दिन चल रहे हैं उधरों पासे गुरुद्वारा दुखन निवारण साहिब भी लोग दूरों दूरों मत्था टेकन आने हैं। त्योहारों के दिन आ गए ने, गल करिए ट्रैफिक की जिहड़ी समस्या है लगता नहीं है भी पटियाला ट्रैफिक पुलिस की भी फेलियर है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो पूरा जिला प्रशासन ही कहता भी जिला प्रशासन ही असं फेलियर मानते हैं भी जो मतलब के कोई भी चीज़ की दिक्कत आती है उसे जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है। तो जब नराते आते हैं हर साल आते हैं साल के दो बारी नराते आते हैं तो उसके पुख्ता इंतजाम पहले ही सरकार को प्रशासन को जिला प्रशासन को करना चाहिए है। तो क्यों नहीं किए जाते हैं, लोग क्यों इन दिक्कत चलते हैं, सरकार की जिम्मेवारियां की ने, सरकार है प्रशासन है उन्हें की करना है पब्लिक वास्ते। किसी भी चीज के गल कर लो अज काली देवी मंदिर जाने तो उत्थे भी कोई व्हीकल खड़ा प्रोपर पार्किंग कोई नहीं है, एक भी ना कोई वॉशरूम है
ना कोई बैठने वास्ते जगह, ना कोई रेस्ट करने वास्ते। काली देवी मंदिर जो है मालवा का एक इतिहासिक मंदिर है, बड़ी दूर दूर तो श्रद्धालु जो मत्था टेकने वास्ते आते हैं, नराते चार ने हजार की गिनती दे विच रोज श्रद्धालु इतने मत्था टेकते हैं। उन्होंने समान किथे रखन, रेस्ट किथे करन, वाशरूम भी जाना है उन्होंने, कोई समान भी रखना है, गड्डी भी खड़ानी है, तो यह सारे चीज़ों जिम्मेवार कौन है? और सरकार को टैक्स चाहिए, पब्लिक टैक्स देती है, पर सहूलत कौन देगा? सवाल तो यह भी सहूलत कौन देगा? वारदातां देखो तुसीं, अज लेडीज कोई भी सुनना नहीं चाहता। गुप्ता जी, टैक्स तो हरेक कोई पे कर रहा है, लेकिन टैक्स देने चलते हुए जिहड़ी सहूलत मिलनी चाहिए प्रशासन वालों, सहूलत नहीं मिल रही। हाँ, दूजे पास अविनाश जी तुम देखो भी अज कोई भी सेफ नहीं है, कि किसी लेडी ने सोना पाया वा तो सेफ नहीं, मोबाइल हाथ च हैगा तो सेफ नहीं है, कोई परस हैगा तो सेफ नहीं है, किधर नू जा रही है गलबात? भी इन की मन के चलिए भी बिल्कुल हर हर कुछ फेल हो चुके हैं जी। गल तो हुई आ गई प्रशासन के उपर, प्रशासन के उपर गल आ गई, फिर तो प्रशासन का फेलियर है पटियाला का। चलो आम आदमी पार्टी के जेडे साडे बुलारा बुलारे ने आर पी एस मल्होत्रा जी साडे नाल जुड़े हुए हैं। आर पी एस मल्होत्रा जी, हर साल ही नवरात्रे आने हैं, त्यौहार के दिन नजदीक आ जाने हैं, लेकिन गल करिए ट्रैफिक की समस्या, त्यौहार चलो त्यौहार तो आप मान ले, ओदे बावजूद भी त्यौहारों तो बिना भी गल करिए ट्रैफिक की समस्या देखने मिलती है। लीला भवन चौंक की गल करिए, अमर होस्पिटल उत्थे लोगों की गड्डिया ही गड्डिया खड़िया, ट्रैफिक की समस्या, लोग लड़ रहे हैं आपस च। फुहारा चौंक भी यही हाल है, पटियाला का सरहदी बाजार, शेरांवाला गेट, मतलब हरेक जगह ट्रैफिक की जी समस्या देखने मिलती है। अविनाश जी, सब तो पहला तो मैं सारे भैन भरावान पैनलिस्ट और दर्शकों आने वाले त्यौहार के सीजन की मुबारकबाद दिना, पर नाल ही जिहड़ा सवाल आपां इत्थे डिस्कस कर रहे हैं, राकेश गुप्ता जी ने बहुत जायज सवाल उठाए ने कि त्यौहार का सीजन तो आ गया, पर की साडा समाज साडा शहर त्यौहार के सीजन के लिए तैयार है? ता इसका जवाब एक स्पष्ट तौर पर ना दे तौर पर सामने आता है, और बड़ी सही गल है कि सब तो वड्डी समस्या, बेसिक समस्या ट्रैफिक दी, आपां देख रहे हैं दिन रात गड्डियां दा जिहड़ा पॉपुलेशन हैगी है, गड्डियां दी पॉपुलेशन वध रही हैगी है, लोगों के स्कूटर मोटरसाइकिल कारा वध रही है, तो साडी जिहड़ी सरकार है, साडी जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आने वाले समय विच समाज दीआं लोड़ां बारे क्यों नहीं सोचती, उस बारे प्लानिंग क्यों नहीं करती, उसके लिए प्रोविजन क्यों नहीं तैयार करती? ये एक बड़ा वड्डा सवाल है साडियां सरकारां दीआं ते साडे जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है उहदी काबिलियत ते। देखो आपां साडा आधा पंजाब अज दी डेट विच बाहर बैठा है, कोई कनेडा बैठा, कोई आस्ट्रेलिया बैठा, कोई यूके बैठा, कोई यूएस बैठा है, उत्थे दीआं जिहड़ियां सरकारां ने उह समाज दे आने वाले समय दीआं, आने वाले 25-30-50 सालां दीआं जिहड़ियां जरूरतां ने उहनां नूं देख के प्लानिंग करदीआं ने, इस करके उहनां नूं इस तरह दीआं कोई दिक्कतां पेश नहीं आंदीआं। पर साडा आपां पटियाले दा एग्जाम्पल लै लईए, पटियाला उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है, ना इत्थे सड़कां चौड़ियां हो रही हैं, ना इत्थे पार्किंग दी प्रोविजन हो रही है, ना इत्थे मल्टी लैवल पार्किंग दे बारे कुछ सोचा जा रहा है, लोकां दीआं सहूलतां बारे कुछ नहीं सोचा जा रहा। देखो कोरोना हजे पूरी तरह खत्म नहीं हो गया, सो साडे समाज दे लोकां नूं बहुत जरूरत हैगी इस गल नूं ध्यान विच रखण दी कि जो कुछ भी करन, रब करे खूब रज के अपने त्योहार मनावन, खुशियां मनावन, लेकिन यह कोरोना हजे खत्म नहीं होया, उसके प्रति एहतियात रखण दी लोड़ हैगी है। फिर कुछ सिक्योरिटी अलर्ट दोबारा आऊंगा मल्होत्रा सर, मैं दोबारा आऊंगा थोड़े कोल, रिएक्शन आपां ले लेने हैं क्योंकि बीजेपी के जिहड़े आगू ने अजय थापर साडे नाल जुड़े हैं। अजय थापर जी, तुसीं पटियाला शहर च रहिंदे हो, गल करिए पटियाला दे विच कांग्रेस पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का भी घर है, सांसद परनीत कौर का भी घर है, इत्थे तक कि ब्रह्मिंदरा का भी घर है, उहदे बावजूद भी शुक्रिया करदा चैनल का भी कि तुसीं हमेशा सानूं मौका दिंदे हो शहर दीआं समस्यावां बारे, पंजाब दीआं समस्यावां बारे, या देश दे कोई करंट टॉपिक्स दे उपर। पर जिहड़ी इह गल गुप्ता जी करके हटे हन ते मेजर आर पी एस मल्होत्रा जी करके हटे हन,
बिल्कुल इन्हां दी गल सही है कि इस टाइम सरकार भी टोटल फेल है, कारपोरेशन भी टोटल फेल है, कोई इन्हां दा प्लानिंग नहीं है, कोई इन्होंने कोई प्रोविजन नहीं रखी हुई है कि किदां असीं इन्हां त्यौहारां नूं लोकां नूं अच्छे तरीके नाल मनाउण वास्ते तैयार करना है। देखो गुरुद्वारा दुख निवारण साहब है, काली देव मंदिर है, बड़े ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स ने, हर टाइम देखो इत्थे जाम लग्या रहिंदा है। मैं हुण वी गुरुद्वारा दुख निवारण चौंक दे विचों क्रॉस कर रहा, मैं देख रहा अविनाश जी के जिहड़ा सामने पुल बनाया है, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਥੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਵੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਂ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਛ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਸਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ RPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। RPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ। ਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਜਿੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਹੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿਸਾਂ ਬਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ? ਅਨੁਸ਼ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੈਲੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਚ 100 ਬੰਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਇੰਨਾ ਬਣਾਤਾ, ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣ ਕਤਰਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਵਪਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ
ये ध्यान च नहीं कर रहा भी व्यापारियों नू क्या चीज की लोड़ है जिहड़ियां पॉलिसियां बनाई जाण साडे व्यापारी भरा पंजाब नू छड्ड के। पटियाला दे सांसद परनीत कौर भी पटियाले रहिंदे आ, कांग्रेस पार्टी दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दा घर भी हो रही है, ब्रह्म महिंद्रा कैबिनेट मंत्री दा घर भी हो रही है, होर भी कई लीडरां दा घर है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੜੀ ਜਾਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। अविनाश जी ये राजनीतिक गल नहीं है, जिहड़ा व्यापारी है उसने टैक्स देना, बेशक सरकार कोई भी आवे, कोई मुख्यमंत्री कोई पीएम कोई मंत्री जिथों भी होन, व्यापारी ने टैक्स देना, व्यापारी एक टैक्स इकट्ठा करके सरकार को जमा कराउंदा हैगा। कोई सरकार आ जे किसी सरकार ने टैक्स नहीं छड़ना हैगा, व्यापारी टैक्स देने नूं तैयार है, उसनूं कोई मतलब नहीं भी किहदी सरकार है। पर व्यापारी ये चीज चाहुंदा है भी पॉलिसियां सरकार दीआं, बेशक सूबा सरकार है बेशक केंद्र सरकार है, भी वह व्यापारियों की वह प्रॉब्लम कि नहीं ध्यान देवे जिदे नाल व्यापार बधे। अगर व्यापार बधेगा तो साडा शहर भी सुंदर बन जाएगा, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार भी बढ़ेगा। व्यापार बधेगा लगता है, इदां व्यापार बधेगा अपना काम काज चलूगा जे ट्रैफिक की समस्या आएगी। यही चीजा सरकारां नूं देखणियां चाहीदियां, जिला प्रशासन नूं देखना चाहीदा जो ट्रैफिक की समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है। बाजार के एक बहुत वड्डी समस्या खास करके लेडीज लई, जेडे कि बाजार के शहर के वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम तो बिना तुम देखो अज 50 साल तो उपर तकरीबन काफ़ी लोगों मिलेगा जिन्होंने कोई बीपी की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने किमें उन्होंने मुश्किल का सामना करना पैंदा। सरकार का कोई ध्यान नहीं, जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। बेशक असी केंद्र सरकार की गल करिए, बेशक सूबा सरकार की गल करिए, बेशक असी जिला प्रशासन गल करिए, प्रशासन पटियाला प्रशासन फिर कर की रहा है, त्यौहार तो नजदीक आ गए, इधर व्यापारी बिल्कुल फेलियर है, डे बाई डे व्यापारी फसदा जा रहा है, रोजगार घटता जा रहा दिन पर दिन, ये सारा असर साडे देश दे उपर पैना है। हुण तुसी किसानी मुद्दे देखो भी साडे किसान भरा 10 महीनों तो बॉर्डर से बैठे ने, वह भी साडे देश का नुकसान हो रहा, साडे प्रधानमंत्री साहब जिद दे अड़े हुए ने, असीं तां कहांगे भी जल्दी तो जल्दी वह मुद्दे जो खेती कानून नूं वापस किया जाए। किसान पटियाला नूं मिलोगे तुसीं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, अविनाश जी की कह रहे हो, पटियाला एस एस पी पटियाला नूं मिलोगे तुसीं इस चीज नूं लेके, क्योंकि प्रॉब्लम है ट्रैफिक। सर मैं देखो आम लोकां दे पंजाब दे मुद्दे नूं लेके मैं हर टाइम तैयार रहना, 24 घंटे मैं हर टाइम कभी भी किते भी जाण दी लोड़ पैंदी है, मैं पब्लिक नूं लोकां नूं पंजाबियों नूं यही कहना भी मैनूं तुसीं दसो, मैं हर मुद्दा उठाऊंगा, मैं कभी डर के गल नहीं कीती, मैं हर टाइम पंजाब दे लोकां लई, बेशक व्यापारियों का मुद्दा बेशक आम लोगों का मुलाजमान का किसी का भी है, मैं हर टाइम सच्चाई और सही मुद्दे लई मैं अगे वधदा रहूंगा और मैं सारे पंजाब नूं तुहाडे माध्यम राही मैं बेनती करना चाहना भी जदों भी मेरे नूं इस लाइक समझो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਵਾਈ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਸਿਜ ਐਮ ਸੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਆਰ ਪੀ ਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਦ 22 ਨੰਬਰ, ਲੋਕੀ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜੀ 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 ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੈਂ 2-3 ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ
किसी भी तरीके नाल चाहे कोई जमीन किधरे किराए ठेके ते लैण किराए ते लैण वो प्रोवाइड करनी चाहिए दी है इन्हां नूं। फिर ट्रैफिक जिहड़ा वन वे अगर कर देण तो उहदे नाल ट्रैफिक की समस्या च काफ़ी हैल्प मिल जाएगी। प्लस जिहड़ी एक टॉयलेट्स की प्रॉब्लम हैगी है इत्थे मैं सजैसट करूंगा कि एटलीस्ट इस सीजन दे लई फेस्टिव सीजन लई प्रशासन नूं हर मार्केट विच पोर्टेबल टॉयलेट्स जिहड़े हैं वो जरूर इंस्टॉल करने चाहिए। ठीक है पार्किंग दे पिछे कोई लड़ाई हो रही है रोड रेज मामला हो रहा है सारिया गल्लां जिहड़ियां ने प्रशासन ने और कुछ कारपोरेशन दे रूल्स दे नाल इन्हां नूं सॉल्व करना चाहिए क्योंकि जिहड़ियां पार्किंग फैसिलिटीज ने ਉਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਗੁਰਗੁਰਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿਲਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਨਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ देखो आप पटियाले तो चंडीगढ़ जाने मिनटा च आप सीट बेल्ट भी बन लेने बड़े आप विजिलेंट तरीके जाने क्योंकि एक डर एक सख्ती जिहड़ी है वह होनी बहुत जरूरी है। ट्रैफिक एहोजी एक प्रॉब्लम है जिदे जे आप डर और जो शक्ति जानी है दोनों चीजा यूज करिए ना तो फिर लोग जो है सुधार होंगे और लोगों को भी मेरे ख्याल समझना चाहिए प्रशासन की डर नहीं लोगों हूँ चंडीगढ़ का तो डर है सीट बेल्ट ना बनी या गड्डी खड़ाई तो अगला बाउंड कर देगा चलान कर देगा इतने डर भाव ही निकल गया प्रशासन का ट्रैफिक पुलिस का बिल्कुल 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 यही गल हो रही है जी बिल्कुल यही हो रही है। और इस चीज ना देखो हूँ आप सारे असि शहर के मौजूद बंदे कट्ठे हुए हैं जेड़े लोगों अवेयर हाँ लोगों के उठते बैठते हैं सारी उन्होंने की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं तुहाडा चैनल एक बहुत वधिया मोटिव कर रहे हैं इस वास्ते तो प्रशासन नू और मेरे ख्याल से कारपोरेशन के बंदे भी शायद सुन रहे होंगे उन्होंने चाहिए है कि इस टॉप प्रायोरिटी लैके त्यौहारों के दिनों च घट्टो घट सख्ती एक बार वरत लैन वो अगे वास्ते कंटिन्यू हो जाएगी और लोग भी बड़े सेफ होके और बड़े आनंद नाल अपना त्यौहार मना सकेंगे। ठीक थापर साहब थैंक यू क्योंकि समा इजाजत नहीं दिंदा समय की घाट होने कारण अज की डिबेट च इन्ना ही असं चाहवे कि पटियाला प्रशासन जागरूक हो जल्द तो जल्द एक्शन दिखावे क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन वालों उत्थे लोग डरते हैं कि बेल्ट ना बनी तो बाउंड हो जाएगा लेकिन पटियाले दे विच इदां दा कोई डर नहीं लोग जिथे दिल करता उत्थे गड्डियां खड़ा दे थोड़ा जा लोगों भी चाहिए कि प्रशासन का साथ दे। खबरों के लिए तुसीं देखते रहो इंडिया न्यूज़ मैनू दो ज्यादा धन्यवाद सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल।